हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी आज के दिन हम लोग पूरा मुंबई ही घूमेंगे। अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ कि पहले कहाँ जाएंगे। देखते हैं अभी कहाँ पर पहुँचते हैं हम लोग। गाड़ी तो तैयार ही है, देखते हैं। और आज मैंने अपनी न्यू टी शर्ट पहनी है, वही गॉगल्स, वही घड़ी। चलते हैं हम लोग। ड्राइवर को 10:30 बजे बुला लिया और अभी 11:30 हो रहे हैं। 1 घंटा लेट हो गया हम लोग को। चलता है क्योंकि हम लोग उठे ही लेट। We have reached Gateway of India. काफी ज्यादा धूप है, घूमते अभी यहाँ पे आधा घंटा घूमेंगे, देखेंगे क्या करते हैं यहाँ पे। हाँ इसी में हमला हुआ था। कौन से रूम में? दो सो वी आर एट एक्वेरियम और सामने ही मरीन ड्राइव है। तो बाहर का रिकॉर्डिंग अलाउड है लेकिन एक्वेरियम के अंदर अलाउड नहीं है, तो मैं ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाऊँगा यहाँ पे। एंड वी आर बैक टू द कार। एक्वेरियम में हम लोग को टिकट्स लेना पड़ा, एडल्ट्स के लिए 60 रुपीज़ और बच्चों के लिए 30 रुपीज़ था। हम लोग मरीन ड्राइव्स नहीं गए क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी वहाँ पे। धूप में कौन खड़ा रहेगा अभी, इसलिए हम लोग नहीं गए। अभी हम लोग जा रहे सीधा हैंगिंग गार्डन, वहाँ पे देखते हैं कुछ ड्राइवर का बोल रहे हैं कुछ अच्छा है, जूता घर है या फिर कुछ और है, देखेंगे। वहीं पर नाश्ता भी कर लेंगे। अभी तो आप ब्लॉग एंजॉय करो। हम लोग अभी हैंगिंग गार्डन के बाहर सब लोग नाश्ता कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद जाएंगे अंदर।
ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, बहुत ही सुंदर है। और वैसे मैं बता दूं कि हम लोग हैंगिंग गार्डन के अंदर, काफ़ी बड़ा गार्डन है यहाँ पे, झूले वूले कुछ नहीं है, सिर्फ गार्डन है घूमने के लिए, गार्डन से फ्लावर्स है और कुछ अच्छे नज़ारे। एंजॉय कीजिए आप नज़ारा। पता नहीं क्या है, ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए लगाया है लोग ने। दिस इज द शू हाउस। यहाँ पे सिर्फ 12 साल के नीचे के बच्चे लोग जा सकते हैं। वो खड़े सब लोग That's Haji Ali. बाप रे, यहाँ पे लहरें बहुत डेंजर है। एंड वी आर एट जू चौपाटी। ब्लॉग और यहाँ पे अब अगर आपको आना हो तो सनसेट के टाइम पे ही आइए, काफ़ी मज़ा आएगा।